जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डीप डाइव विद अभिनव करे में। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी आजादी हीरो वाली जो सीरीज है। आज हम बात करेंगे लाला लाजपत राय के बारे में, तो चलो कूदें। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जब अंग्रेजों का अत्याचार सारी सीमाएं पार कर गया, तो उस समय जो भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम है वो दो टुकड़ों में बढ़ गया। एक टुकड़ा था अहिंसा वाला और दूसरा था जो और डायरेक्ट अप्रोच में बिलीव करते थे, वो था गरम दल। इसमें तीन बहुत कद्दावर, तीन महान नेता हुए जिनको लाल पाल बाल की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं लाला लाजपत राय के बारे में, जो कि उस समय के अनडिवाइडेड पंजाब से आए थे। बाकी के जो दो लीडर थे उनमें से बाल गंगाधर तिलक जी महाराष्ट्र के थे और बिपिंद्र चल पाल जी वो वेस्ट बंगाल से थे। उस समय अनडिवाइडेड जो बंगाल था वहां से थे। तो किस तरह एक पंजाबी लीडर, एक बंगाली लीडर, एक महाराष्ट्रियन लीडर, ये तीनों साथ में मिले, हिंदुस्तानी बने, भारतीय बने, और किस तरह उन्होंने अंग्रेजी फौजों के, अंग्रेज के जो अत्याचारी जो जर्नल्स थे उन सबकी पैंड बजाई, ये है वो स्टोरी। लाला लाजपत राय का जन्म 1965 में अनडिवाइडेड पंजाब में हुआ। उस समय तक पाकिस्तान बना नहीं था। उनका जन्म हुआ एक टीचर के घर पे। उनके पिता एक सरकारी स्कूल में एक टीचर थे, साथ ही साथ वो फारसी और उर्दू के बहुत महान विद्वान भी थे। जब ये 30 वर्ष के हुए तो उस समय लाला लाजपत राय ने अभी का जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका विजन दिया। तो एक तरह से इनको फाउंडर ऑफ PNB भी कहा जा सकता है। जो पूरा जो आइडिया था कि इकोनॉमिक फ्रीडम होना चाहिए कंट्री में, जो हम इस समय उस समय ब्रिटिश बैंक के ऊपर जो डिपेंडेंट थे, वो डिपेंडेंसी हटाने के लिए उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी तभी हटेगी जब बैंकिंग का कंट्रोल हमारे खुद के हाथ में आएगा। पूर्ण तरह स्वदेशी मनी से उन्होंने अपना एक बैंक फॉर्म करा, अपने दोस्तों के जो NRIs थे, जो काफ़ी सारे लोग जो वापस लौट कर आ रहे थे उस समय हिंदुस्तान, उन सबको चिट्ठी लिखी, उनसे कुछ धन इकट्ठा करा और इस तरह से PNB की स्थापना हुई। 1907 में उन्होंने जब US से ट्रैवल किया तो इसका उनके दिमाग पे काफ़ी गहरा असर पड़ा। उन्होंने देखा जिस तरह से जो वहाँ पे जो वाइट्स हैं, जो गोरे लोग हैं, वो किस तरह से ब्लैक्स के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने कलर कास्टिज्म का नाम दिया। और उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान भी कास्टिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत ज़्यादा परेशान है, किस तरह इसको दूर हटाया जाए। फाइनली अमेरिका में उन्होंने इंडियन होम लीग कर एक ऑर्गेनाइजेशन है 1917 में उसकी स्थापना करी। जब लाला लाजपत राय USA का ट्रैवल कर रहे थे, समझ रहे थे कि वहाँ पे किस तरह से जो फ्रीडम मूवमेंट है पूरी दुनिया में वो कैसे चल रहे हैं, उसी समय कांग्रेस ने इंडिया के अंदर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग जो आंदोलन है उसकी शुरुआत करी। 1920 में जब ये इंडिया वापस आए तो कैलकटा में जो कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग थी उसको उन्होंने प्रिसाइड किया, मतलब एज अ प्रेसिडेंट उसको उन्होंने अटेंड किया। और उसके बाद जो इन्होंने असहयोग आंदोलन है उसके अंदर में जिस तरह से बहादुरी से अपना नेतृत्व दिखाया, जिसके कारण इनको पंजाब केसरी या लायन ऑफ पंजाब का टाइटल मिला। एनीवेज बात वहां से पहुंचती है 1928 में लाहौर में साइमन गो बैक के नारे लग रहे हैं, बिल्कुल पीसफुल हैं, और वहां पे लेकिन अंग्रेजों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वहां पे उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। यहीं पे ये अंग्रेज लुटेरे अत्याचारी धोखा खा गए। एक व्यक्ति जो देखने में इतना मामूली सा, देखने में इतना वीक सा दिख रहा था, उसके सर पे, उसकी पूरी बॉडी पे ये लाठियों की बरसात करते रहे, वो वहीं खड़े रहे, वो झेलते रहे सारे वार। यहाँ तक कि उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाई, किसी ने पलट कर ये अंग्रेजी अत्याचारों पे फिजिकल वायलेंस का यूज़ नहीं किया, चुपचाप मार खाते रहे। इनके जो खुद के जो डॉक्टर्स थे, उनके डॉक्टर्स ने, जो खुद भी वहाँ पे खड़े हुए थे एज वन ऑफ हिज लेफ्टिनेंट्स, उनके एक सपोर्टर की तरह, उनको भी एक या दो बार लाठियाँ पड़ी। तो डॉक्टर ने बाद में बोला कि मुझे आश्चर्य है कि ये इंसान जिंदा कैसे है इतने सारे लाठियों के मार अपने सर पे, अपने नाजुक अंगों पे लेने के बावजूद भी।
उसके बाद उसी हालत में उन्होंने जो वो पूरा जो क्राउड था, जो वो पूरा जो जुलूस था, उसकी अगुवाई करी, वहां से वापस गए और वहां पे जाकर बहुत उनके एक फेमस वर्ड थे, उन्होंने कहा था हमारे बॉडी के ऊपर दिया हुआ एक एक प्रहार जो है ये अंग्रेजों का जो ताबूत है उसके अंदर ठुकने वाली आखिरी कील साबित होगी। अब उनका मन, उनकी आत्मा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, बट ह्यूमन बॉडी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो फाइनली वो जो ब्लोस थे वो फैटल प्रूव हुए और लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। लेकिन क्या शानदार ज़िंदगी उन्होंने जी, जितने भी साल रहे क्या शानदार रहे, उनको याद किया जाएगा बहुत ज़्यादा हम लोगों को, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको डायरेक्शन देने के लिए। 1907 में जब ब्रिटिश 50 साल पूरे कर चुके थे इन दी एग्जिस्टिंग वाइस रॉय फॉर्मेट में, उस समय भी ब्रिटिश कांपते थे लाला लाजपत राय के नाम से। उनको लगता था कि इनकी एक आवाज़ पे हजारों लाखों जो सोल्जर्स हैं वो इमीडिएटली म्यूटिनी और रिबेलियन स्टार्ट कर देंगे। ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का माहौल ही बन रहा था तो लाला लाजपत राय के साथ के काफ़ी सारे ऐसे लीडर्स थे जिनके अंदर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रो जर्मन फीलिंग्स आ गई थी, लेकिन लाला लाजपत राय अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर थे। उनका कहना था कि कोई सी भी स्वतंत्रता, स्वराज्य मतलब स्वराज्य, कोई सी भी स्वतंत्रता जो किसी फॉरेन पावर की मदद से आएगी वो ज़्यादा समय चलेगी नहीं, हमको अंदर से अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। अगर ये स्वतंत्रता, अगर ये स्वराज्य हम अपने दम पर लेकर आएंगे तभी ये हमेशा के लिए सस्टेनेबल रहेगा। इसके बाद में उन्होंने ये भी समझ लिया था इमीडिएटली कि जो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच की जो प्रॉब्लम जो क्रिएट की गई है ये ब्रिटिश लोगों ने करी है। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तानी होना या भारतीय होना और मुस्लिम होना या हिंदू होना या क्रिश्चियन होना ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं। आप अपने आप को एक भारतीय हिंदू कह सकते हो, एक भारतीय मुसलमान कह सकते हो, एक भारतीय क्रिश्चियन कह सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि या तो आप भारतीय हो या क्रिश्चियन हो, ये दोनों आपस में म्यूचुअली जो एक्सक्लूसिव जो टर्म बोलते हैं इंग्लिश में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मैं इस देश में हिंदू राज नहीं चाहता, लेकिन मुस्लिम राज भी नहीं चाहता, मैं एक भारतीय राज चाहता हूँ। Thanks for watching. This was Deep Dive with Abhinav Khare. Please like, share, subscribe, comment करिए और हमको बताइए और कौन से ऐसे issues हैं, कौन से topics हैं जो आप चाहते हैं series में हम cover करें।